आप जानते हैं गुरुग्राम में स्टैंड अप कॉमिक कुणाल गामरा का एक शो होना था और विश्व हिंदू परिषद ने आयोजकों को धमकी दी कि ये आदमी हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता है। बगैर उस मामले की जांच किए आयोजकों ने उस शो को कैंसिल कर दिया। यहां तक कि विश्व हिंदू परिषद भी अपनी तरफ से कोई प्रमाण पेश नहीं कर पाई कि कुणाल कामरा ने कब हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया था। यह हाल हो गया इस देश का। यानी कि अगर आप मन बना लें कि थोड़ी सी डर, थोड़ी सी वहशत, थोड़े से दबाव के साथ किसी को लगातार आप निशाने पर लें तो आप उसकी रोजी रोटी तक उससे छीन सकते हैं। वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच, क्योंकि खबरों की इन्हीं गहराइयों में छिपा है राजनीति का असली खेल। न्यूज चक्र खबर की गहराइयों को टटोलता। कुणाल कामरा के शो को बॉयकॉट कर दिया गया है सिर्फ कहा सुनी और थोड़ी सी धमकी के आधार पर। मगर क्या कुणाल कामरा झुक गए हैं? नहीं, कुणाल कामरा ने इस मुद्दे को लेकर विश्व हिंदू परिषद को करारा जवाब दिया है और उनका जवाब दोस्तों आपके स्क्रीन्स पर। क्या कह रहे हैं कुणाल कामरा, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आदरणीय हिंदू परिषद, मैं आपके नाम के साथ विश्व इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस विश्व के हिंदुओं ने आपको धर्म की ठेकेदारी दी है या आपने खुद से लिया है। चलो फिर भी कोई बात नहीं। आगे क्या कहते हैं गौर कीजिएगा। आपने गुड़गांव में होने वाले मेरे शो क्लब के मालिक को धमकी देकर कैंसिल करवा दिया। उस बेचारे को क्या दोष दूं, उसको बिजनेस करना है, गुंडों से कैसे उलझेगा? ना पुलिस के पास जाएगा, पुलिस के पास जाएगा भी तो पुलिस तुम्हारे पास ही आएगी रिक्वेस्ट करने। कुल मिलाकर अब सिस्टम तुम्हारा ही है, लेकिन जो हिंदू कल्चर के अपमान की बात तुम कर रहे हो वो मैंने कब किया? कोई क्लिप या कोई ऐसा शो हो तो मुझे भी दिखाओ। मैं तो केवल सरकार पर तंज करता हूं। अगर तुम सरकारी पालतू हो तो फिर तुम्हें बुरा लग सकता है। इसमें हिंदू की बात कहां से आ गई? साफ तौर पर यहां कुणाल कामरा दो तीन बातें उठा रहे हैं। सबसे बड़ी बात उन्होंने की कि विश्व हिंदू परिषद एक भी क्लिप पेश करे जिसमें उन्होंने हिंदू धर्म का अपमान किया हो। दूसरी बात, हम सब जानते हैं कि कुणाल कामरा मोदी सरकार के बड़े आलोचक हैं, मगर मेरा सीधा सा सवाल, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना धर्म की आलोचना है? उल्टा न जाने कितनी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थकों ने धर्म का अपमान किया है। याद है आपको हर हर महादेव, यह हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? भगवान शिव के लिए। और मोदी समर्थकों ने किस नारे का इस्तेमाल किया था? हर हर मोदी, घर घर मोदी। मैं ये भी नहीं भूला हूं दोस्तों, राम मंदिर का शिलान्यास था तब एक तस्वीर सामने उभर कर आई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान राम का हाथ पकड़ के उन्हें मंदिर की तरफ ले जा रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने बड़े हो गए कि वो भगवान श्री राम का हाथ पकड़ के उन्हें मंदिर ले जाएंगे? क्या यहां पर तुम्हें भगवान राम या हिंदू धर्म का अपमान कतई नहीं दिखाई देता? कितनी बार हुआ है दोस्तों, धार्मिक आयोजन होता है और उसमें तस्वीर सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होती है। क्या यहां पर विश्व हिंदू परिषद को धर्म का अपमान नहीं दिखाई देता? क्या तुम भारतीय जनता पार्टी का पिछलग्गू बने हुए हो? क्या तुम उनके चाटुकार हो? आगे क्या कहते हैं कुणाल कामरा, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मेरे और भगवान के रिश्ते का वैसे तो मैं कोई टेस्ट देना जरूरी नहीं समझता, लेकिन फिर भी एक टेस्ट देकर तुम्हारा टेस्ट ले लेता हूं। मैं जोर से और गर्व से जय श्री राम, राम और जय राधा कृष्ण कहता हूं। और अगर तुम सच में भारत की संतान हो तो गोडसे मुर्दाबाद भेजो, नहीं तो मैं समझूंगा कि तुम लोग हिंदू विरोधी और आतंक समर्थक हो। कहीं तुम गोडसे को भगवान तो नहीं मानते? अगर मानते हो तो आगे भी मेरे शो रद्द करवाते रहना। मुझे सिर्फ इस बात की खुशी रहेगी कि मैं तुम्हारे से ज्यादा हिंदू होने का टेस्ट तुमसे जीत चुका हूं। मैं कुछ भी करूंगा, अपनी मेहनत की ही रोटी खाऊंगा, क्योंकि मुझे तुमसे बड़ा हिंदू होने के नाते लगता है कि किसी को डरा धमका कर टुकड़े खाना पाप है। करारा तमाचा यहां पर कुणाल कामरा विश्व हिंदू परिषद के मुंह पर मार रहे हैं, क्योंकि नाथूराम गोडसे के बारे में क्या कहा जाता है,
कि नाथूराम गोडसे आजाद भारत का पहला आतंकवादी था। विश्व हिंदू परिषद कभी भी गोडसे मुर्दाबाद नहीं करेगी, उल्टा गोडसे का महिमा मंडन करेंगे। वो लोग महात्मा गांधी को गाली देंगे, इसलिए उनके पास कुणाल कामरा की इस बात का जवाब नहीं है। मगर आज कार्यक्रम का मकसद दो तरफा है। मुद्दा नंबर एक, आप अगर किसी को निशाने पर लेना चाहें तो थोड़ा सा डरा धमका कर उसके शोज रद्द करवा सकते हैं बगैर कोई प्रमाण दिए। मैं चाहूंगा कि विश्व हिंदू परिषद कुणाल कामरा की इस चुनौती को ले और प्रमाण पेश करे कि आखिर कहां पर कुणाल कामरा ने हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है। दूसरी बात यहां पर यह दिखाई देती है कि डर के सामने किसी भी कीमत पर झुकना नहीं, और यह बात कुणाल कामरा ने साबित कर दिया है। एक बार नहीं दोस्तों, दो और जगहों पर कुणाल कामरा ने प्रमाणित कर दिया है कि मैं इनसे डरता नहीं हूं। मगर उससे पहले मैं आपके सामने कुछ प्रमाण पेश करना चाहूंगा, इन चेहरों पर गौर कीजिए। मुनव्वर फारूकी जो कि स्टैंड अप कॉमेडियन है, और सिद्दीक कप्पन वो पत्रकार जो करीब 704 दिनों तक जेल में रहा आतंकवाद की धाराओं में। सबसे पहले बात करते हैं मुनव्वर फारूकी की। आप जानते हैं मुनव्वर फारूकी भी एक महीने तक जेल में थे, और मध्य प्रदेश की पुलिस ने जब उन्हें जेल में रखा था तो इंदौर के एक वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर ने कहा था कि मैं नहीं जानता कि ये जेल में क्यों है। मुनव्वर फारूकी के गुनाह का कोई प्रमाण नहीं था, बावजूद उसके इस शख्स को जेल में रखा गया। अब आपकी स्क्रीन पर सिद्दीक कप्पन। सिद्दीक कप्पन हाथरस जा रहे थे और उससे पहले ही मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर देती है, आतंकवाद की धाराओं में उन्हें जेल में डाल देती है, उन धाराओं में जेल में डाल देती है जहां पर बेल मिल पाना नामुमकिन हो जाता है। यानी चाहे मुनव्वर फारूकी हो चाहे सिद्दीक कप्पन हो, दोनों ही मामलों में यह साबित हो जाता है कि आपने गुनाह किया भी नहीं है फिर भी आपको जेल में डाल दिया जाता है। आप जानते हैं सिद्दीक कप्पन की इतनी बुरी हालत है कि उसका परिवार जो है वो दर दर भटक रहा है। एक मां अपने 3 बच्चों के साथ इंसाफ की गुहार लगा रही थी। सिद्दीक कप्पन की तबीयत लगातार जेल में बिगड़ती गई, उसे उस अपराध की सजा दी जा रही थी जो उसने किया भी नहीं था, उस पर अनाप शनाप आरोप लगाए गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहकर उसकी बेल की याचिका को रद्द कर दिया कि एक केरल का पत्रकार हाथरस में क्या कर रहा था। मी लॉर्ड, एक पत्रकार कहीं पर भी पहुंच सकता है, और अगर सिद्दीक कप्पन के बैंक अकाउंट में आतंकवादियों का दिया हुआ पैसा है तो उसकी जांच कराई जाए ना। जांच से पहले ही आपने उस आदमी पर जो है दोष मढ़ दिया। और मैं बार बार कहता हूं, कई लोग कहते हैं कि अगर आपने कुछ दोष नहीं किया तो डर किस बात का, जांच एजेंसीज का सामना कीजिए। अरे मेरे दोस्तों, ये समझिए, द प्रोसेस इज द पनिशमेंट, प्रक्रिया ही सजा है। एक व्यक्ति को आप 2 साल तक जेल में डाल देते हैं, उस जेल के अंदर उसे यातनाएं दी जा रही हैं, उस जेल के अंदर उसकी तबीयत खराब हो रही है, क्या वो सजा नहीं है? भीमा कोरेगांव मामले में कई लोग जेल में थे, अब भी जेल में है। स्टैन स्वामी की जेल के अंदर मृत्यु हो गई, क्या इनमें से किसी का भी गुनाह प्रमाणित हुआ? नहीं हुआ, अब तक किसी का गुनाह साबित नहीं हुआ है, मगर वो अब भी जेल है। क्या आप जानते हैं कि एक रिपोर्ट सामने आई थी कि एक व्यक्ति यानी रोना विल्सन, एक एक्टिविस्ट रोना विल्सन, जिन्हें जेल में डाल दिया गया था यह कहकर कि उनके लैपटॉप में कई सनसनीखेज बातें सामने उभर कर आई थी। दरअसल उस लैपटॉप में सरकार ने मैलवेयर के जरिए जानकारी प्लांट की थी, यह खबर सामने उभर कर आई थी। यानी कि सरकार चाहे तो आपको फंसा सकती है। ये तमाम तथ्य हैं, इन तथ्यों से आप लड़ नहीं सकते, मगर यह पता चल रहा है कि साम दाम दंड भेद से, थोड़ी सी ताकत से आप एक व्यक्ति को निशाने पर ले सकते हैं, उसे नेस्तनाबूद कर सकते हैं। अब मैं बात फिर से कुणाल कामरा की करना चाहूंगा। कुणाल कामरा ने विश्व हिंदू परिषद को करारा जवाब दिया है और कहा है कि मैं तुमसे बड़ा हिंदू हूं। उन्होंने यह भी कहा है कि विश्व हिंदू परिषद कायर है और वो उनके सामने नहीं झुकेंगे। मैं आपको यह भी बतलाना चाहूंगा दोस्तों, आज से कुछ सालों पहले की बात है, कुणाल कामरा ने सुप्रीम कोर्ट पर एक तंज किया था, एक टिप्पणी की थी, और ये जो आउटरेज गैंग है ना, जो बात बात पर बॉयकॉट करता है, उन्होंने
कुणाल कामरा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की है। इसके जवाब में मैं आपको बतलाना चाहता हूं कुणाल कामरा ने क्या कहा था आपकी स्क्रीन पर। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर आपकी स्क्रीन पर। उन्होंने कहा, यानी कि कुणाल कामरा ने कहा कि याचिकाकर्ताओं का यह कहना है कि उनके ट्वीट से सुप्रीम कोर्ट में लोगों का विश्वास कम हो जाएगा। तो कुणाल कामरा कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इतनी बड़ी संस्था है, इतनी बड़ी संस्था जो लोगों को न्याय देती है, क्या उनके चंद ट्वीट से यह पूरी संस्था जो है वो धराशायी हो जाएगी? क्या सुप्रीम कोर्ट इतनी कमजोर है? ये बात कुणाल कामरा ने कही थी। और कुणाल कामरा यहां नहीं रुकते दोस्तों, उन्होंने आगे क्या कहा था मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। जस्ट एज द सुप्रीम कोर्ट वैल्यूज द फेथ द पब्लिक प्लेसेस इन इट एंड सीक्स टू प्रोटेक्ट इट बाय द एक्सरसाइज ऑफ क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट ज्यूरिसडिक्शन, इट शुड ऑल्सो ट्रस्ट द पब्लिक नॉट टू फॉर्म इट्स ओपिनियंस ऑफ द कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ अ फ्यू जोक्स ऑन ट्विटर। द पब्लिक्स फेथ इन द जुडिशरी इज फाउंडेड ऑन द इंस्टीट्यूशंस own action and not on any criticism or commentary about it। कुणाल कामरा यहां क्या कह रहे हैं मैं इसका अनुवाद हिंदी में करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को अपने बारे में राय जो है वो लोगों की चंद टिप्पणियों के आधार पर नहीं बनानी चाहिए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के प्रति लोगों का विश्वास पैदा होता है उनके निष्पक्ष फैसलों द्वारा। यानी कि न्यायपालिका को यह बार बार प्रमाणित करना पड़ेगा कि वो बगैर किसी डर, बगैर किसी दबाव के अपने फैसले सुनाती है, और तभी आप जनता में अपना विश्वास पैदा कर पाएंगे। जनता में जो आपका विश्वास है वो चंद ट्वीट से नहीं हिल जाएगा, ये बात कुणाल कामरा कह रहे थे। और आपको याद होगा ये तस्वीर जब कुणाल कामरा ने गोदी मीडिया और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का जो बड़ा चाटुकार है अर्नब गोस्वामी को एक प्लेन के अंदर घेरा था, और इस प्लेन के अंदर इस वीडियो में कुणाल कामरा ने अर्नब गोस्वामी से सवाल किया था कि तुम प्राइम टाइम में क्या जहर बोते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? नतीजा ये हुआ एक नहीं दो नहीं कई प्लेन्स पर कुछ महीनों के लिए कुणाल कामरा पर पाबंदी लगा दी गई थी। बाप रे, अर्नब गोस्वामी से सवाल पूछ लिया प्लेन के अंदर, इतना बड़ा गुनाह हो गया। इसलिए कुणाल कामरा पर प्लेन में सफर करने पर ही पाबंदी लगा दो। ये हो रहा है इस देश में दोस्तों। इस देश में हम न्याय का अधूरा चेहरा देखते हैं जब एक सिद्दीक कप्पन दो दो साल तक जेल में बिता देता है उस गुनाह के लिए जो उसने किया भी नहीं था। विश्व हिंदू परिषद लोगों के शोज कैंसिल करा देती है, किस लिए? यह कहकर कि यह हिंदू विरोधी हैं और कोई प्रमाण भी पेश नहीं करते। और इसका एक ही समाधान है, हमें वक्त का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं हिंदू धर्म का ही सहारा लूंगा दोस्तों। वक्त, समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। जो लोग आज अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को निशाने पर ले रहे हैं, एक वक्त आएगा जब आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और तब बहुत ज्यादा देर हो चुकी होगी। आज मैं जिस संस्था से आपसे बात कर रहा हूं, न्यूज क्लिक, आप जानते हैं कि हम पर भी प्रवर्तन निदेशालय ने करीब 114 घंटे की रेड लगाई, और बात वहां नहीं रुकी, फिर इन्होंने इनकम टैक्स भेज दिया था। मगर क्या न्यूज क्लिक ने जनता के प्रति, जो उसका सरोकार है, जो उसकी जिम्मेदारी है, क्या वो उससे पीछे हट गया? नहीं, न्यूज क्लिक आज भी जनता के मुद्दे उठा रहा है, किसान के मुद्दे उठा रहा है, बेरोजगार के मुद्दे उठा रहा है, महंगाई के मुद्दे उठा रहा है। इस शो के जरिए मैं आपको बतला रहा हूं कि मैं मजलूम के साथ खड़ा हूं, पीड़ित के साथ खड़ा हूं, कमजोर के साथ खड़ा हूं। और मेरे दोनों शोज, चाहे न्यूज चक्र हो, चाहे बोल के लब आजाद हो तेरे, ये दोनों इसी का प्रमाण है। न्यूज क्लिक के तमाम कार्यक्रम इसी के प्रमाण है। मगर हमें भी निशाने पर लिया जा रहा है। क्या हम पीछे हट गए? हम पीछे नहीं हट गए, क्योंकि न्यूज क्लिक का मानना है कि डर किस बात का? सजा उस बात की मिले जिसमें गुनाह किया गया हो। अगर गुनाह होगा तो सजा मिलेगी, अगर गुनाह नहीं होगा तो मुश्किलात होंगी। जैसे मैंने कहा, प्रक्रिया ही सजा है,
उस प्रक्रिया के जरिए आपको यातना दी जाएगी, आपको टॉर्चर किया जाएगा, मगर हम अपना काम करते रहेंगे, उससे पीछे नहीं हटने वाले हैं। फिर इन शब्दों को याद रखिएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।